जल्दी उड़ा लो हेलीकॉप्टर, उसने उसके हाथ टांग पकड़ लिए यार। हो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे। हेलो फ्रेंड्स, जकी इज बैक विद अ न्यू वीडियो। और यार आज हम लोग फार क्राई 5 खेलने वाले हैं, तो चलो देखते हैं इस गेम के अंदर क्या होता है। काफ़ी दिनों से मैं खेलने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत टाइम से मेरा प्लान था कि फार क्राई 5 खेलूँगा। ग्राफिक्स बहुत बहुत अमेजिंग लग रही है इसकी। चलो यार डायरेक्ट गेम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। फाइनली गेम स्टार्ट हो चुका है और ये कुछ यहाँ पे कोई इंट्रो वीडियो चल रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। अच्छा ये टेररिस्ट हैं, ये कौन है, ये इनके बारे में ही बातें कर रहे हैं, क्या चल रहा है यहाँ पे। ओह ये लोग सब चर्च के अंदर आए हुए हैं, चर्च के अंदर गन्स वगैरह लेके आए हुए हैं, ये क्या चल रहा है आज गेम के अंदर। Their own sovereign religious state built right here under our noses. Ain't no one coming to help us. Government can't do shit. We're on our own. ओ ये है मेन विलन शायद, और ये कोई इसके छुपके से कैमरे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है जो हरकतें कर रहा है यहाँ चर्च के अंदर। ये मेन विलन है, काफी डेंजरस लग रहा है फुल। ये जूम कर रहा है इसके अंदर। ओहो उसने देख लिया, इसको देख लिया क्या होने वाला है इसके साथ, इसने देख लिया है। वो रहा बेचारा, पकड़ लिया यार उसको। ये लोग क्या अपनी आपस में बातें करने लगे हैं, इसके साथ क्या होने वाला है। करीब आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता उसके, क्या करेगा बेचारे के साथ, क्या उसी आंखों में शायद उंगलियां डाल दी अपनी दोनों पे। छी यार इसने आंखों में उंगलियां डाल के मार दिया इसको इतनी आराम से। ओ यार ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगने वाला है। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे पुलिस भी है। अच्छा ये शायद उसको ही कुछ पकड़ने वगैरह जा रहे हैं। ये यहाँ पे हेलीकॉप्टर में ट्रैवल करके, ये इसका तो बड़ा स्टैचू भी बनाया हुआ है यहाँ पे। भाई कौन है ये, इतना फेमस लग रहा है फुल। इसने लगता है इस एरिया पे फुल इसका कंट्रोल है यहाँ पे। पुलिस वाले भी डर रहे जाते हैं, ये सामने जो बुड्ढा है ये मना भी कर रहा है कि यार उस तरफ नहीं जाओ। पर ये वाला ना, ये US मार्शल जो है, ये कह रहा है कि वहाँ जाना लाजमी और उनको पकड़ना पड़ेगा। बातें चल रही हैं इनकी, वो समझा रहा है उसको कि कितना डेंजरस हो सकता है, जो चीज़ें जैसे चल रही हैं उनको चलने दो। पर ये नहीं सुनने वाला मेरे ख्याल से, ये नहीं सुनेगा। वो शायद पुलिस है और ये आर्मी का कोई है, इसलिए ये ज़्यादातर स्ट्रिक्ट हो रहा है कि नहीं मुझे वो सब कुछ ख़त्म करना है। अब वो कह रहा है कि हाँ चलो चलते हैं उस तरफ। अब वहाँ पर ऑर्डर भी दे रहा है कि अगर हम लोग क्या कह रहा है, अगर हम लोग 15 मिनट तक ना पहुँचे तो बैकअप भेज देना। सही है सही है सही है। किधर जा रहे हैं, इधर शायद बारिश का कुछ मौसम चल रहा है, रात हो रही है इधर। ये काफ़ी डरा हुआ है, ये लाजमी सी बात है यार। वो उसका उतना कंट्रोल है, उनके पास गन्स देखी थी कितने बड़े बड़ी थी। ये बस 4-5 लोग हैं और ये वहाँ पे जा रहे हैं। ये मुझे लग रहा है ये मरवाएगा ये US मार्शल हम लोगों को। वो मना भी कर रहा है, बार बार कह भी रहा है एक बार वापस सोच लो, पर ये नहीं सुनने वाला भाई, इसको मरना है। मुझे तो लग रहा है मरेगा, और कुछ नहीं होने वाला इसके साथ। चलो भाई पहुँच भी जाओ, कितना लंबा सफ़र है। ये रहा ये रहा, वो रहा चर्च, उसके अंदर होगा वो। पहुँच गए लोग यहाँ पर, पहुँच गए यार। क्या इन्होंने तबाही फैलाई हुई हर जगह, इतनी डिस्ट्रक्शन हुई हुई है यार। हमसे भी बातें कर रहा है, हाँ भाई हम तो रेडी हैं, तुम अपनी बस देखना, तुम बचना। पहुंच गए, लैंड हो रहा है, कोई और कोई दिख तो नहीं रहा। ये रे भाई यहाँ पे इन्होंने गार्ड कर रहे हैं इधर एरिया, वो क्या कर रहा है वहाँ पे, आग लगा रहा है। कैसे इनको कोई खौफ भी नहीं है, गन्स वंस पकड़ी हुई है, पुलिस वाले यहाँ पे हैं भाई। यार क्या चल रहा है, चलो सब रेडी हैं।
ये इनको समझा रहा है कि गन्स अपने पास रखो, हाथ रखना गन्स के ऊपर जैसे ही कुछ हो फायरिंग स्टार्ट, क्योंकि इनको काफ़ी खतरा है और ये डरा भी बहुत है कि कुछ हो सकता है यहाँ पे। उतर गए वो लोग फुल चिल खड़े हुए, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या होने वाला है क्या नहीं हो रहा, वो आराम से अपना खड़े हुए। ये उतर गए वो लोग, ना देख रहे हैं और करीब आके, बल्कि और ऐसे ना करीब करीब आके देख रहे हैं, उनको कोई डर वर कुछ भी नहीं है। ये देखो कैसे मज़े से यार, कितने सारे ये सब ने अगर टीम अप कर लिया, टीम अप क्या टीम तो है ही, ये इनको आ गया गुस्सा किसी बात पे तो इन्होंने छोड़ना नहीं है यार, इन्होंने पूरी सिटी पे कंट्रोल करा हुआ। ये देखो कितने मज़े से खड़ा है, पुलिस जा रही है यार, आर्मी भी साथ है, और ये क्या कर रहे हैं यार यहाँ पे। चर्च के अंदर जाना है उससे मिलने, सही है। ये देखो कैसे मस्त खड़ा हो गया है और ये गन दिखा रहा है, थूक फेंक रहा है यार हमारे चलने के आगे। यार कौन है यार ये, बेटा अभी रुक जाओ, मौका लगने से तुम्हें भी बताएंगे। यहाँ पे काफी सारे डॉग्स भी हैं, क्या होगा अंदर। ये वही चर्च है, अभी थोड़ी देर पहले एक इंसान को मारा था, वही चर्च लग रहा है मुझे। नहीं ये मना कर रहा है, कह रहा है अच्छा कह रहा है सो गया भाई, अपने कंट्रोल गुस्से को थोड़े कंट्रोल में रखना, मुझे बात करने देना सारी। वो कह रहा है हाँ हाँ तुम ही करना बात यार। अच्छा ये लोग गार्ड करेंगे यहाँ पे, हम तीनों चल रहे हैं, सही है। हाँ चलो अंदर देखते हैं क्या है, चल भी लो यार, इतना डरा हुआ है यार ये, क्या हो गया क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा यार। चलो ही वो रहा उसने यार बहुत बुरी तरीके इंसान बहुत बुरी तरीके से इंसान को मारा था। ये लोग वारंट लेके आए हैं, इसको अरेस्ट वारंट, इसको अरेस्ट करना है यहाँ पे। अब देखो क्या होता है यार, कर पाएंगे इसको अरेस्ट? मुझे नहीं लग रहा जितनी इसकी पावर है ना, ये अरेस्ट तो नहीं इसको कर पाएंगे, इतना तो मुझे पक्का यकीन है। सब लोग कैसे देख रहे हैं इसे, पता नहीं क्या हो गया है, क्या चल क्या रहा है, ये कर क्या रहा है यहाँ पे, क्या उसने फसाद फैलाया है, क्या चल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये पुलिस वाले भी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इसके पास जाने में, कितनी आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए जा रहे हैं कि ये कहीं कुछ ऐसा ना कर दे कि सब हमें मारने लग जाए। ये बुड्ढे अंकल कह रहे हैं कि भाई तुम रुको, मुझे बात करने देना। ये इसने इसको वारंट दिखाया और कह रहा है चलो मेरे साथ। क्या है, मानेगा ये आराम से, मानेगा नहीं मानेगा क्या होगा यार, टेंशन हो रही है काफ़ी। वो भाई क्या क्या लोग आ रहे हैं इसको तो रोकने के लिए आ रहे हैं अभी से। नहीं नहीं इसने भी हैंड्स अप कर लिया, अपने हाथ दे रहा है कि मुझे ले चलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या, अच्छा ये रोक रहे हैं इसको, पर ये रोकने आ गए कि हम नहीं लेके जाने देंगे इन्होंने, ये ही आराम से मार देंगे अंदर ही, इतने सारे बाहर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मना कर रहे हैं भाई ये कि नहीं हम नहीं लेके जाने देंगे, मना कर रहे हैं। ये आके इनको समझा रहा है कि नहीं मुझे जाने दो यार, ये अच्छा आदमी है, चुपचाप आ रहा है साथ, क्या प्रॉब्लम है, लेके जाओ उसको जेल में। मना कर रहा है कि कोई फिक्र की बात नहीं है, मैं मुझे जाने दो, कह रहा है कि मुझे वैसे भी नहीं लेके जा सकते। देखो अब क्या, इनको सबको बाहर भेज रहा है, कुछ ज़्यादा ही इसको भरोसा है, अकेला है यहाँ पे और फिर भी इनको बाहर भेज रहा है कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं तुम जाओ, मैं अकेला हूँ काफ़ी। क्या ड्रामे कर रहा है, ओ भाई ये क्या गुस्से से देख रहा है, क्या हो गया इसको, पागल लग रहा है, साइको लग रहा है मुझे, ये साइको किलर हमें देख रहा है इतने घूर के। अच्छा बुला रहा है कि भाई मेरे हाथ बांधो और मुझे ले चलो, हाँ हाँ बांध रहे हैं, कोई फिक्र की बात नहीं है, रुक जाओ, चलो भाई जल्दी जल्दी करो, क्या हो गया बांध क्यों नहीं रहा इसको, कैसे देखे जा रहा है घूर घूर के यार। चलो भाई काम तो हो गया, बस अब इसको लेके जाना है बाहर, गेट की तरफ जा रहे हैं बाहर की तरफ, आहिस्ता आहिस्ता यार, इतना आहिस्ता क्यों चल रहे हैं ये लोग मुझे समझ नहीं आ रहा, जल्दी जल्दी भागते हुए लो हेलीकॉप्टर में बिठाओ इसको और निकलो यहाँ से, इतना वो डेंजरस है सारा। भाई ये बैकअप भी आ गया इसका, इसको नहीं लेके जाने देंगे यार, मुझे लग रहा है काफ़ी गुस्से में लग रहे हैं बाकी सब। अच्छा उन्होंने वहाँ से रास्ता भी बंद कर दिया, हमें दूसरी तरफ से जाना है, उस तरफ से उन्होंने रास्ता बंद करा है, उस तरफ से जाना है, पहले हम उस साइड से आए थे,
कोई इनका ट्रैप होगा, यकीनन कोई ट्रैप है इनका जो इन्होंने हमें इस तरफ से अब भेजा है। भाई अभी यहाँ पे आम लोग भी यहाँ पे रोक रहे हैं, पागल हुए हैं आम लोग भी। कौन है यार ये, इतना पावर है यार इसके पास, कोई इसको लेके भी नहीं जाने दे रहा। ओहो ओ पत्थर मारने शुरू कर दिए, पत्थर मारने शुरू कर दिए इन लोगों ने। अब क्या होगा, उसने भी फायरिंग तो करी है पुलिस वाले ने भी। बस हेलीकॉप्टर में तो बैठ गया है, अब तो कुछ नहीं होगा। भाई हेलीकॉप्टर में भी चढ़ रहे हैं यार ये लोग। ओ भाई कितने सारे आ गए यार, ये तो अब नहीं उड़ पाएगा हेलीकॉप्टर, जल्दी उड़ा लो हेलीकॉप्टर। उसने उसके हाथ टांग पकड़ लिए यार। ओहो हो भाई क्या हो रहा है यहाँ पे, वो अपना शुरू हो गया अलग अलग, पता नहीं क्या बोल रहे, क्या चल रहा है। कितने लोग, क्या हो गया यार वो सामने, क्या चल रहा है यार ये, क्या हुआ सामने से कूदा था अभी अभी यार उसके हेलीकॉप्टर के फैन के ऊपर चढ़ गया यार कोई। शिट क्या हुआ, गिर गया नीचे, क्रैश तो हो गया हेलीकॉप्टर, इतना तो पक्का है। चलो यार गाइस आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर सब पता चलेगा कि क्रैश हो के इनके साथ क्या हुआ है, क्या होगा आगे जाके। अल्लाह हाफिज़।